तो कैसा फील होता है जब आप सामने वाले को कॉल करके बार बार उसका हालचाल पूछते हैं और सामने वाला बंदा आपकी कॉल का कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, आपके मैसेजेस का कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, और कभी अगर आपकी कॉल का रेस्पॉन्स वो तब दे रहा है जब आप खुद उसे कॉल कर रहे हैं, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके वो कभी कॉल नहीं करता, कभी कोई मैसेज नहीं करता, कभी आपसे मिलने के लिए नहीं बोलता, या कभी अगर उसको मिलना होगा तो वो सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आपको कॉल करेगा, तो समझो कि आपको कैसा लगेगा, आप हर्ट होंगे ना। दोस्तों, अगर ये बातें आपके साथ बार बार हो रही हैं, हर बार हो रही हैं, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, हर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको अपनी वीडियो में आपको एक खुश रहने का फॉर्मूला बता रही हूँ और ऐसे लोगों का इलाज करना भी बता रही हूँ जो आपको इस तरीके से हर्ट करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हम जब किसी को, सामने वाले को बार बार कॉल करते हैं और उनसे उनका हालचाल पूछते हैं, लेकिन सामने से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इसका एक संकेत ये होता है कि जो रिलेशन है वो सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है। आप उस रिलेशन को धक्का मार मार कर जो है वो चला रहे हैं और सामने वाला जो है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का रिलेशन रख रहा है। तो जब इस तरीके के रिलेशंस की बात होती है तो दोस्तों, आप उन लोगों को कुछ टाइम के लिए कॉल करना कम कर दीजिए। बंद नहीं कह रही हूं, कम कर दीजिए। कम करने पर देखिए कि वो लोग आपको कितना याद कर रहे हैं या कितना वो आपके लिए सीरियस हुए बैठे हैं। दोस्तों, आपको पता लग जाएगा कि भाई सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कितना सोच रहा है। दोस्तों, अगर आप कॉल नहीं कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन भी आपको कॉल नहीं कर रहा है, तो यकीन मानिए कि उसको आपके साथ रिलेशन रखने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि आप उसके साथ रिलेशन रखने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। यदि आप उसे कॉल नहीं कर रहे हैं तो, और अगर वो आपको कॉल कर रहा है, तब ये जानिए कि भाई सामने वाला बंदा भी आपके लिए उतना ही इनिशिएटिव ले रहा है। हो सकता है कि वो किसी काम में बिजी हो। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है और मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखा है कि कई बार हम खुद कॉल करते हैं, कई बार हम खुद चीजों को पूछते हैं, लेकिन सामने वाले जो बंदे होते हैं वो साल भर निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है, 3 साल निकल जाता है, लेकिन वो आपके लिए एक बार भी हालचाल नहीं पूछते कॉल करने के बाद कि भाई आप कैसे हो। तो जब इस तरीके की चीजें हो तो सीधे समझ जाइए, साफ समझ जाइए कि आप सामने वाले की जिंदगी में उतनी वैल्यू नहीं रखते हैं जितनी की आप उसे दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है भैया, अगर ये टाइप की चीजें आ रही हैं तो दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आप भी उन्हें कॉल करना छोड़ दीजिए। क्योंकि आप उन्हें कॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं बैठ रहा है उनके लिए। जब आपकी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी नजरों में, तो छोड़ दीजिए, ऐसे रिलेशंस रखने से कोई फायदा नहीं। और मजे की बात यह है कि आप लोगों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, उनका व्यवहार को देखिए। अगर एक लंबे टाइम के बाद भी अगर आप कॉल नहीं कर रहे हैं और वो आपको कोई आपका हालचाल नहीं ले रहे हैं कि भाई, ये सोचकर कि सामने वाला हमें रेगुलर कॉल करता था और अब नहीं कर रहा है, क्या बात है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये रिलेशन बिल्कुल बेकार है। ऐसे रिलेशंस में रहने का कोई फायदा नहीं है। आप चुपके से उनके नंबर पर जाइए कॉन्टेक्ट में और डिलीट कर दीजिए उनका नंबर, और हो सके तो ब्लॉक भी कर दीजिए ताकि वो आगे आपको कॉल भी करे तो वो कॉल ना कर सके। दोस्तों, यही सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, नहीं तो आप होते रहिए, हर्ट होते रहिए और बार बार ऐसे लोगों के लिए रोते रहिए जो आपकी वैल्यू ही नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से रखने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो फ्रेंड सर्किल में हो, चाहे वो आपके रिलेशंस में हो, चाहे वो आपके नियर एंड डियर ही क्यों ना हो। इसलिए अपने आप को महत्व दीजिए, अपनी चीजों को महत्व दीजिए, अपने आप को हर्ट होने से बचाइए, क्योंकि ईश्वर ने बहुत सुंदर हमें शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, इसको जीने का भरपूर लाभ उठाइए और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से किक कर दीजिए। तब आप खुश रह पाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने बहुत ही बढ़िया काम किया है ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हटाकर। देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों को रखने का कोई फायदा नहीं है अपनी जिंदगी में, चाहे आपकी एक ही पर्सन हो, एक ही पर्सन हो, और वो ऐसा हो कि जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, आप उसे वैल्यू दीजिए, ना कि इतने सारे लोगों को। अरे यार, क्या करना है, कूड़ा कचरा भर के अपने दिमाग में भी, अपने दिल में भी और अपनी नजरों में भी, तो इसको साफ कीजिए, इनको किक मार के जो है बाहर कीजिए और अपने लोगों के साथ जो आपके अपने हैं, जो आपको वैल्यू दे रहे हैं, आप उनके साथ रहिए, आप उनके साथ खुशियां बांटिए, ना कि उन लोगों के लिए जो आपकी इतनी सी भी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे अब ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद अब आप ये बार बार कॉल करने वाली जो ये प्रोसेस है इसको आप खत्म करेंगे और ऐसे लोगों को जो है वो बाहर बाहर साफ करते चले जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।